आज मैं बताने वाली हूँ आप सबको मच मनी के बारे में। मच मनी जो एक कुदरत का दिया हुआ नायाब तोहफा है हमारे लिए। उससे पहले मैं सुनीता एस डी काबरा, आपकी अपनी दोस्त, मॉडर्न मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट, सीईओ ऑफ रेशम गोल्ड ज्वेलरी एंड लाइफ केयर ब्रांड एंड योर डे मेकर, आज आपके साथ बात करूंगी मच मनी के बारे में। उससे पहले आपको बता दूं कि आप प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो अब बात करते हैं हम मच मनी के बारे में। मच मनी है क्या? तो पहले मैं बताऊं आपको मच मनी के बारे में। एक्चुअली मच मनी, आपने नाम सुना होगा मकर ध्वज का, जो हनुमान जी के पुत्र थे। अभी ये पुत्र कैसे हुए इसके बारे में भी आपको छोटी सी स्टोरी बिल्कुल फटाफट बता देती हूँ। जब हनुमान जी श्रीलंका गए थे और वहाँ पर पूरी लंका को जलाकर वापस जब उड़े, तो उस समय उनके ताप से, गर्मी से उनके शरीर से पसीने बह रहे थे। उस पसीने की एक बूंद समुद्र में गिरती है जो एक मछली के पेट में चली जाती है और उनसे जन्म होता है मकर ध्वज जी का। मकर ध्वज जिसकी मछली जो उसकी माँ भी थी और एक मछली भी थी, तो उसने अपने पुत्र की रक्षा के लिए अपने सर से एक पत्थर प्रकट किया था जिसके द्वारा उनकी रक्षा हुई थी। इसलिए उस मनी का नाम मच मनी पड़ा। हालांकि इसे कई लोगों ने कई अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, लेकिन मच मनी जो होती है, आप बेसिकली ये समझिए कि मच मनी राहु के दोष के निवारण के लिए बहुत ही अचूक उपाय है कह सकती हूँ मैं। राहु का किसी तरीके का भी दुष्प्रभाव अगर इंसान पर है, उनकी टिप्पणी में बहुत लोग जो एस्ट्रोलॉजिकल देखते हैं, तो अगर कहीं पर भी राहु का दोष नजर आ रहा है तो उस दोष के निवारण के लिए मच मनी सबसे प्रभावी तरीका है। इसके साथ साथ ही चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, चंद्रमा जो मन का कारक है और पानी से रिलेटेड होता है, क्योंकि मच मनी पानी में मछली के पेट से ही निकली है, इसलिए चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग भी बहुत अच्छे से करती है। तो अगर मैं मच मनी की बात करूं तो ये राहु के बुरे प्रभाव से तो हमें बचाती ही बचाती है, इसके साथ साथ हमारे मन को शांत करने में बहुत ही कह सकती हूँ कि प्रभावी उपाय है कि अगर जो भी मच मनी धारण करते हैं उनको इन चीज़ों में बहुत ही आराम मिलता है। साथ ही शरीर के स्वास्थ्य रखने में, अपने आप को अगर स्वस्थ रखना है तो हेल्थ के दृष्टिकोण से भी मच मनी बहुत ही अच्छा एक पत्थर कह सकते हैं कि वो है, माना जाता है। इसके साथ साथ पेट से रिलेटेड किसी तरीके की भी कोई प्रॉब्लम हो या फिर बोन से रिलेटेड, हड्डियाँ, इनसे रिलेटेड किसी तरीके की कोई भी परेशानी हो, तो उसके लिए मच मनी बहुत अच्छा कह सकते हैं कि एक तरीका है कि जिसका इस्तेमाल करके हम इन चीज़ों से मुक्ति पा सकते हैं, इन चीज़ों में अपने आप को थोड़ा रिलीफ महसूस करा सकते हैं। इसके साथ साथ ही धन से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो, पैसे से रिलेटेड किसी तरीके की समस्या चल रही है, तो उसके लिए भी मच मनी फायदेमंद होती है। तो अब सवाल उठता है कि इस मच मनी को हासिल कहाँ से किया जाए और साथ ही साथ इसे इस्तेमाल कैसे किया जाए, इसको किस दिन पहनना चाहिए और कैसे पहनना चाहिए। परेशान नहीं हूँ दोस्तों, मैं आपको सारा कुछ बताऊंगी, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो पहली बात आपको बताऊं कि आपको मिलेगा कहाँ से। अभिमंत्रित क्या हुआ जो ओरिजिनल मच मनी है, आप अगर आपके सोर्सेज हैं आप वहाँ से भी मंगवा सकते हो, आप चाहो तो आप हमारे पास से भी मंगवा सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, हमारी वेबसाइट के थ्रू आप ऑर्डर दे सकते हो। हमारे पास आपको अलग अलग साइजेस में मच मनी, ओरिजिनल मच मनी मिलेंगे, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। अब बात है कि इसका इस्तेमाल कैसे करें और किस दिन पहनें, तो वो भी मैं बताऊँगी आपको। शनिवार के दिन, किसी भी महीने की शनिवार को पहन सकते हो, लेकिन अगर जिस समय अमावस्या के बाद से लेकर अगर पूर्णिमा के बीच वाला जो 15 दिन होता है, अगर उस दिन आप किसी चीज को भी अच्छे काम के लिए जो करते हो उसको अगर धारण करते हो, तो उसका इम्पैक्ट और ज्यादा होता है। तो आप
किसी भी शनिवार को मच मनी को आप गंगा जल में रखकर अच्छे से भगवान के सामने हाथ जोड़कर और उसे धूप वगैरह दिखा करके एक माला ओम रंग रामवे नमः जो राहु का मंत्र है, इसकी एक माला करके यानी 108 बार इस मंत्र का जाप करके आप इसे हाथ जोड़कर अगर अपने अफर्मेशन के साथ धारण करते हैं तो आप इन सारी तरह की परेशानियों से बहुत जल्दी छुटकारा पा लेंगे। चाहे वो धन से संबंधित किसी तरीके की प्रॉब्लम हो, राहु से संबंधित हो, आपके पेट से रिलेटेड, आपके कोई हेल्थ इश्यूज है, बोन से रिलेटेड, मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम है, तो इन सब में आपको इससे फायदा है। और फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहे, तो आप बेझिझक मुझे कॉमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।